विदिशा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां प्रधानमंत्री सहित सभी ने हर घर तिरंगा फहराए जाने का आह्वान किया, उसी के तहत विदिशा के हिंदू जागरण मंच के सदस्य ध्रुव चतुर्वेदी शुभम वर्मा अपने साथियों के साथ विजय मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने तिरंगा फहराया जाने का प्रयास किया। सूचना मिलते ही कोतवाली TI मनोज दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर आए। वहीं तहसीलदार अमित ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया भी मौके पर पहुंचे। प्रतिबंधित क्षेत्र होने का हवाला देकर तिरंगा विजय परिसर मंदिर में फहराया जाने से रोका गया, जिसे देखते हुए हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने झंडा नहीं फहराया पाए। वहीं मीडिया से बात करते हुए ध्रुव चतुर्वेदी ने कहा कि एक ओर जहां सभी जगह हर घर तिरंगे का आह्वान किया जा रहा है, तब ऐसे स्थान पर जो देश का ही हिस्सा है, यहां तिरंगा क्यों नहीं फहराया दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली, उसी के लिए क्रांति करनी पड़ी है। विजय माता के मंदिर को आज़ाद करने के लिए भी क्रांति की जरूरत पड़ी, क्रांति की जाएगी। विजय माता के मंदिर को आज़ाद करने के लिए भी क्रांति की जरूरत पड़ी, क्रांति की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस और प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। मेरा नाम कवि दीपेंद्र सिंह है और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। असुद्दीन ओवैसी जो बयान दिया गया है, ये तो सब लोग जानते हैं कि ये आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला एक व्यक्ति है, जो हर बार देश विरोधी बयानों को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। अपनी लोकप्रियता के कारण ये व्यक्ति देश विरोधी एवं धर्म विरोधी बयान देता आया है। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, चार पंक्तियों से मैं अपना संदेश असुद्दीन ओवैसी तक पहुँचाना चाहता हूँ। मंदिर हमारी आस्था, मंदिर में बसते हमारे प्राण हैं, रक्षार्थ हेतु इसकी उठा सकते सभी कृपाण हैं। मंदिर हमारी आस्था, मंदिर में बसते हमारे प्राण हैं, रक्षार्थ हेतु इसकी उठा सकते सभी कृपाण हैं। और स्वानों का झुंड मांगेगा जो भी मिलेगा सब यहाँ, मंदिर के स्वानों का झुंड मांगेगा जो भी मिलेगा यहाँ, लेकर के शस्त्रों से मंदिर तक के प्रत्यक्ष प्रमाण है। आ जाए ओवैसी जी, सब कुछ के आउटफिट्स का नाम बता दो, सबूत दे दे के आरएसएस के आउटफिट्स है, तो हम लोग उसको मान जाएंगे। दूसरी एक बात जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहा है कि ये मंदिर नहीं, मस्जिद है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो अगर असदुद्दीन ओवैसी में हिम्मत है तो साबित करें कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और लिविंग मॉस्क नहीं कर पाता, तो हिंदुओं के चरणों में गिरकर माफी मांगे।